हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आज गाड़ियों को यानी टाटा मोबाइल एसेंचर गाड़ियों को छोड़ दिया था सोनामर्ग से लद्दाख की तरफ। तो इजली वो लोग क्रॉस होके दोस्तों करीब 1:30 बजे पहुँचे कारगिल में। तो इस तरह से इंशाल्लाह आज बात करें एडवाइजरी के हिसाब से, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो कि कल इंशाल्लाह ट्रैफिक होगी अगर मौसम ठीक रहा तो। मीनामर्ग से सोनामर्ग की तरफ ट्रैफिक रहेगी, तो यही एडवाइजरी है। तो टाइमिंग के ख़ास ख्याल रखिए, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक टाइमिंग रहेगा बस, बाकी उसके बाद किसी भी गाड़ी को इस रोड पर चलने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि एंटी स्किड चैन भी अपने साथ रखिए, और इस तरह से इंशाल्लाह कल गाड़ियों को फिर से मीनामर्ग साइड से सोनामर्ग की तरफ छोड़ दिया जाएगा। बाकी यही सीन है, और रोड कंडीशन में थोड़ा बहुत आज बेहतर साबित हुआ क्योंकि 200 से 250 के आसपास गाड़ियां लद्दाख पहुंचे आज दिन में। तो आज का यही अपडेट है। तो LMEs गाड़ियों को फ़िलहाल इस रोड पर चलने की इजाज़त मिली है, तो कब एलो होगी HMEs और पैसेंजर्स गाड़ियों को लेके, तो इसका अपडेट इंशाल्लाह जिस टाइम यहां से मिलेगी जी कुछ अपडेट तो आपको शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो इतना ही फ़िलहाल के लिए, इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।